हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस तरह के स्टील कंटेनर का बहुत ही यूनिक और यूज़फुल इस्तेमाल। अगर आपके पास इस तरह का कोई बड़ा स्टील कंटेनर है तो आपको उसे लेना है और उसके मेजरमेंट से आपको पेपर कट कर लेना है और उसे इस तरह से आपको शेड कर लेना है। तो बस रेडी हो जाएगा आपका बहुत ही सुंदर और यूजफुल थ्रेड ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट मेरे पास है ये अमूल घी का कंटेनर। इस तरह के प्रोटीनेक्स के भी कंटेनर होते हैं। अगर आपके पास भी है इस तरह का कंटेनर तो आपको इस तरह से फैब्रिक से उसे पहले कवर कर लेना है। इसके लिए आप ग्लूगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास फेविकोल या फैब्रिक गम है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। अब नीचे की साइड छोटे छोटे कट लगा के उसे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। अब आप इसका ढक्कन का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसे चिपका दीजिए और इसे बहुत ही अच्छी एक फिनिशिंग दे सकते हैं। अब आगे की साइड भी हम ग्लूगन की हेल्प से फैब्रिक को फोल्ड करके चिपका देंगे। अब मैं यहाँ पर एक लेस अटैच कर रही हूँ। आपके पास जो भी लेस है आप उस तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने एक और कंटेनर रेडी कर लिया है क्लोथ लपेट कर। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से एक पतली सी लेस अटैच कर रही हूँ और यहाँ पर मैं एक डोरी बांध लूंगी। तो ये हमारे बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइजर रेडी हैं। आप इसका किचन में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किचन रिलेटेड चीज़ों को आप इसमें बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या तो फिर आप अपनी डाइनिंग टेबल पर भी इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने सेम अमूल घी के कंटेनर का यूज़ किया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह की एक डोरी को लपेट लिया है। आपके पास जो भी डोरी है आप उसे यहाँ पर लपेट सकते हैं। आप जूट डोरी का या फिर वुलन का या और कोई लेस है तो उसका यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप डिब्बे के ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। आप आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उसके हिसाब से इसे डेकोरेट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हमने एक छोटी सी रिबन से इस तरह से फ्लावर का डेकोरेशन कर लिया और एक मोती अटैच कर लिया। सो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर पॉट। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्लावर या फिर प्लांट लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और आपके पास जगह कम है तो आप इन कंटेनर का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन कंटेनर को आप अपने हिसाब से सजा लीजिए। अब इन कंटेनर के जो ढक्कन है उसके ऊपर हम तीन पंचर कर लेंगे। अब आपके पास जो भी अवेलेबल है उस टाइप की आप डोरी ले लीजिए। 1 से 1.5 मीटर लंबी हमें तीन डोरी लेनी है। अब ऊपर की साइड एक नोट लगा लीजिए और तीनों पंचर में से एक एक डोरी को पास कर लीजिए। ढक्कन के नीचे एक नोट लगा लीजिए। अब एक और ढक्कन लेंगे हम और उसके अंदर से तीनों डोरी को पास कर लेंगे। अब हम हमारे कंटेनर का मेज़रमेंट ले लेंगे और उसकी जगह के हिसाब से हम ढक्कन को सेट करेंगे और नीचे फिर से नोट लगा लेंगे। इसी तरह से हमें तीनों ढक्कन को नोट लगाकर सिक्योर कर लेना है। तो रेडी है ये हमारा बहुत ही सुंदर और यूनिक सा एक फ्लावर पॉट जिसमें आप अपनी पसंदगी के फ्लावर्स प्लांट लगा सकते हैं। आप इस तरह के कंटेनर का पिगी बैंक या फिर कॉइन बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
आपको इसके ढक्कन पर इस तरह से एक बड़ा सा छेद कर लेना है जिसके अंदर से आप अपने कॉइन को पास कर सकते हैं। बस ढक्कन को ऊपर लगा दीजिए और आपका ये कॉइन बॉक्स रेडी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए ये यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।